गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तिल पकोड़ा, जिसे आप स्टार्टर के रूप में बना सकते हैं और कोई मेहमान घर में आए तो उन्हें भी बना के खिला सकते हो। इसके लिए मैंने ले ली हूँ आधा किलो चिकन। अब इसमें हम सारी चीज़ों को डालेंगे, एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चाट मसाला और ये चिकन तंदूरी मसाला डालेंगे दो चम्मच, और विनेगर डालेंगे दो चम्मच, और सोया सॉस आधा चम्मच, एक चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसमें हम फूड कलर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब एक घंटा हो गया, अब इसमें मिलाएंगे हम आधा कटोरी कॉर्न फ्लोर, और इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम तिल्ली मिलाएंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। इसे हम अभी नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर ऐसे ही इसे हम पकने देंगे। अब हम गैस की आंच कम कर देते हैं और इसे हम अलट पलट कर देते हैं। अब धीमी आंच में हम 5-6 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और अंदर से अच्छे से गल जाए। अब हम गैस की आंच तेज़ कर देंगे और 5 मिनट तेज़ आंच में और पका लेंगे। देखिए चिकन भी अंदर से अच्छे से पक गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। सभी चिकन को हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार। देखिए चिकन तिल पकौड़ा बनके तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं गाइस अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय गाइस।